बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज सऊद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सऊद सॉल्यूशंस। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए आया हूँ सॉल्यूशन ऑफ मॉडल पेपर 3 2022 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सेक्शन बी का सब सेक्शन सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट आपकी स्क्रीन पे। प्रूफ दैट, साबित करें टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। एक्सरसाइज 13.1 से सवाल पूछा गया। प्रूफ कैटिंग डालिएगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7, दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1। आपने पहली वाली टर्म को कैपिटल ए के बराबर सपोज कर लिया, आप अल्फा भी ले सकते हैं, ठीक है, मैंने ए ले लिया। टेन इनवर्स को इधर शिफ्ट करूंगा तो टेन ए की वैल्यू आ जाएगी 1/3। सेकेंड वाली वैल्यू को कैपिटल बी सपोज कर लिया, बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे, टेन बी इज इक्वल टू 1/7। ये टेन है, टेन बी की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 1 पे दोबारा जाऊंगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड पहली वाली टर्म को मैंने ए सपोज किया था, ए पुट कर दूंगा, सेकेंड वाली को बी। अब क्योंकि टेन इनवर्स का सवाल है तो प्रॉपर्टी एक मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी उसके इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे सॉल्व करूंगा। देखिए, ए प्लस बी के साथ टेन इनवर्स वायर लिखूंगा और बैलेंस करने के लिए अंदर टेन लगाऊंगा और ए प्लस बी जोड़ दूंगा। ये और ये मुझे पता है कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ए प्लस बी वापस आ जाएगा। फ़ायदा क्या होगा इसका? फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर मुझे पता है कि टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा। टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैंने चैप्टर 10 का यहाँ पर लिख दिया है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। इससे मैं इसको ब्रेक करूँगा और सॉल्व करूँगा। अब नेक्स्ट पेज पर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो टेन इनवर्स बाहर वाला ऐसे रहा तो इसको खोला मैंने फॉर्मूले से, तो टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी हो जाएगा। मुझे टेन ए और टेन बी की वैल्यू पता है, वो रिप्लेस कर दूंगा। टेन इनवर्स इंटू 1/3 प्लस 1/7 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 1/7। अब ऊपर एलसीएम लेंगे, 7 क्रॉस में जाएगा, 3 क्रॉस में, 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21 हो गया, 7 से 21, 21 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो देखिए यहाँ पर 21 माइनस 1 ओवर 21, 21 से 21 कैंसिल, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 21 माइनस 1 बिकम्स 20, 10 टू जो 20, 10 इनवर्स 1/2 हो जाएगा। और यही आपको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल का और एक्सरसाइज 13.2 से लिए गए। सॉल्व दी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 रूट 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन गाइडिंग के पास इक्वेशन लिख लिए। अब ये क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व होगा, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगा, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू 2√2 हो जाएगी और सी की वैल्यू माइनस। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वेरिएबल हमारा साइन थीटा होगा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √2 बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। मैं वैल्यूज पुट करना शुरू कर रहा हूँ उसमें, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2√2 प्लस माइनस √2√2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 डिवाइड बाई 2√2। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2√2 प्लस माइनस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 दुनिया 8, 8 या 24। फर्दर मोर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2√2 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 24 और 8 को ऐड करेंगे 32 हो जाएगा। अब 32 को आपने फैक्टर बनाने हैं, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 होता है, 16 का रूट बाहर 4 आ जाएगा, √2 अंदर रहेगा। यहाँ पर कॉपी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं ऊपर से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाला, माइनस √2 प्लस माइनस 2√2 डिवाइड बाई 4 बचा, 2 4 हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2 हो गया। इधर करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 2, एक हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस √2 माइनस 2√2 डिवाइड बाई 2। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो √2 अपॉन 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 3√2 अपॉन 2 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए मैं इस 2 को कैसे सॉल्व करूंगा, √2 मल्टीप्लाई बाई √2 ले सकता हूँ, एक रूट से रूट कैंसिल हो गया, 1/√2 हो गया। इसके बाद
यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पर इनको ऐड करूँगा तो माइनस थ्री रूट टू अपॉन टू होगा, साइन को तो शिफ्ट करूँगा साइन इनवर्स, जब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करूँगा साइन इनवर्स तो इसकी वैल्यू जो है पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल है। अच्छा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू हो गया। अब देखिए थीटा साइन को शिफ्ट करके साइन इनवर्स कैलकुलेटर में डालूंगा तो साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू आ जाएगा 45 डिग्री। और मुझे पता है साइन थीटा पॉजिटिव किन क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ गया, और सेकंड में होता है। सेकंड का हम कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू पाई में से थीटा माइनस करते हैं, थीटा क्या पाई बाय 4 है, 4 वन जब 4, 4 में से 1 गया 3 पाई बाय 4। अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो सवाल है आपके पास, सवाल में वेरिफिकेशन करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, आपने ये 45 डिग्री और ये 3 पाई बाय 4 इसको पुट करके चेक कर लेना है सवाल में कि ये वेरीफाई कर रहे हैं उस इक्वेशन को, ये नहीं कर रहे हैं। तो मैंने इसको कैलकुलेटर की मदद से वेरीफाई करके देख लिया था पहले ही, तो सोल्यूशन साइड लिखूंगा पहला एंगल पाई बाय 4 प्लस 2 एन पाई, क्योंकि साइन को सॉल्व करें तो जनरल एंगल के 2 एन पाई ऐड करेंगे, और दूसरा एंगल 3 पाई बाय 4 प्लस 2 एन पाई और एन बिलोंग्स टू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉट एक्स बाय 4। 11.1 का सवाल है, हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉट एक्स बाय 4, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने क्या किया, पीरियडिक फंक्शन के डेफिनेशन इस्तेमाल किए, एक्स के साथ पी पॉजिटिव स्मॉल नंबर ऐड कर दिया, एफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस पी डिवाइड बाई 2 प्लस कॉट एक्स प्लस पी अपॉन 4। अच्छा अब शॉर्टकट तरीके से पहले ही मैं निकालूंगा, देखिए साइन का पीरियड 2 पाई होता है, 2 डिवाइड कर रहा है मल्टीप्लाई करूँ 2 टू द 4, कॉट का पीरियड पाई होता है 4 डिवाइड कर रहा है मल्टीप्लाई 4 पाई हो जाएगा, इसका मतलब दोनों फंक्शन का जो पीरियड है वो 4 पाई होना चाहिए। तो पी की वैल्यू 4 पाई रख के मैं चेक कर लेता हूँ कि ये वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एफ एक्स प्लस 4 पाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 4 पाई डिवाइड बाई 2 प्लस कॉट एक्स प्लस 4 पाई डिवाइड बाई 4। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एलसीएम ब्रेक करूँगा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस 4 पाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2, ये 2 टू द 4 2 पाई हो गया प्लस कॉट एक्स बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब हमने अलाइड एंगल्स के फॉर्मूलाज पढ़े में, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, कॉट पाई प्लस थीटा कॉट थीटा होता है। तो देखिए साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा आ गया, कॉट पाई प्लस थीटा कॉट थीटा आ गया। अब जरा गौर से देखिए, क्या ये जो शक्ल है जो हमने सपोज किया था शुरू में, वो क्या एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं है? तो हम क्या करेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 1 के मतलब यहाँ पे क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स। अब पीरियडिक फंक्शन की डेफिनेशन याद करें कि अगर एक्स में आप कोई पॉजिटिव नंबर पी ऐड कर देते हैं जिसे हम पीरियड कहते हैं, वापस वही फंक्शन आ जाता है तो वो पीरियडिक फंक्शन होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इसका जो पीरियड है वो क्या होगा, 4 पाई के बराबर होगा। तो अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर, हेंस पी पीरियड मालूम करना था 4 पाई के बराबर आ गया। अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये 9.1 से सवाल पूछा गया है, अ बेल्ट ऑफ 24.75 मीटर लॉन्ग इज पासिस अराउंड 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर पुली एज द बेल्ट मेक्स 4 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन अ मिनट। अगर एक वो बेल्ट जो है 4 कंप्लीट रिवॉल्यूशन चक्कर मुकम्मल करता है इन अ मिनट, एक मिनट में, हाउ मैनी रेडियंस कितने रेडियन यानी कि एंगल की बात कर रहा है थीटा डज द व्हील टर्न घूमेगा इन अ सेकेंड, एक सेकेंड। हमने सबसे पहले क्या किया, एक रफली डायग्राम बना ली एक जो है पुली की, और डायमीटर है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे डेटा बनाता गया हमें, डी इज इक्वल 1.5 सेंटीमीटर है, आर रेडियस निकालने के लिए डी को 2 से डिवाइड करूँगा, 1.5 डिवाइड बाई 2.75 सेंटीमीटर होगी। अच्छा मुझे उसने जो है बेल्ट की जो लेंथ दी वो मीटर में दी है और रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.75 को 100 से डिवाइड करके मैं 0.0075 मीटर में पहले कन्वर्ट करूँगा, ये आर और एस की जो वैल्यू है यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। अब एस की वैल्यू गिवन है, एज द बेल्ट मेक्स 4 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन अ मिनट, तो 4 से मैं इस एस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एस इज इक्वल 24.75 मल्टीप्लाई 4 ये तो हो जाएगा एस इज इक्वल 99 मीटर्स पर मिनट हो जाएगा।
अब नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मुझे मालूम करना है थीटा, थीटा का फॉर्मूला होता है एस अपॉन आर, एस की वैल्यू पुट कर दूं मैं 99 मीटर पर मिनट और आर की वैल्यू है 0.0075 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 99 को आप इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे 13200 आ जाएगा, रेडियन पर मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर उसने कहा पर सेकंड में, तो एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, 60 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 220 रेडियन पर सेकंड, ये आपका फाइनल आंसर। इसका चौथा पार्ट एक्सरसाइज 12.1 से लिया गया, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 9000 मीटर, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू अ फील्ड मार्कर इज 23 डिग्री, फाइंड द एरियल डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस मालूम करना है। देखिए डायग्राम बनाऊंगा मैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर ये एरोप्लेन इस वक्त मौजूद है, ये 9000 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए सपोज कर लिया, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी हो गया, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के एप्लीकेशन के सवाल आते हैं। 12.1 में कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी वेयर ए जो है वो 9000 मीटर है, हाइट ऑफ एरोप्लेन है, और एरियल डिस्टेंस क्या है, जब आपका एरोप्लेन लैंडिंग पोजिशन पर जब नीचे जमीन पर आता है, दिस इज कॉल्ड योर एरियल डिस्टेंस, तो बी मालूम करना है एरियल डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर हमें जो है हाइपोटेन्यूस मालूम करना है, 90 के सामने वाला अपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के दरमियान साइन थीटा लगता है, तो देखिएगा नेक्स्ट पेज मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, एंगल जो है 23 डिग्री है, 9000 परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस बी मालूम करना है, बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा साइन 23 को, इधर नीचे लाएंगे 9000 डिवाइड बाय साइन 23, आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो बी इक्वल टू 23033.74 मीटर आ जाएगा ये आंसर। अब पांचवा पार्ट, ये 12.5 एक्सरसाइज से लिया गया है, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों साइड बराबर हैं तो राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल को शो कर रही है, देन प्रूव दैट, साबित करें स्मॉल आर वन रेशो कैपिटल आर रेशो आर 3:2:1 के बराबर। अब प्रूव देखिए, मैं अपनी आसानी के लिए क्या काम कर रहा हूँ, तीन वेरिएबल हैं जो बराबर हैं आपस में ए बी सी, इसको एक्स के बराबर सपोज कर रहा हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अच्छा पहले सेमी पैरामीटर ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखूंगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, तो ए बी सी की जगह एक्स पुट कर दूंगा, तो एक्स 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 मिलकर 3x अपॉन टू हो जाएगा, एस माइनस ए कैलकुलेट करूंगा, एस की जगह 3x अपॉन टू लिखूंगा, ए की जगह एक्स लिखूंगा, एलसीएम लूंगा 2x हो जाएगा, 3x माइनस 2x अपॉन 2 एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, एस माइनस बी 2x हो जाएगा, 3x माइनस 2x अपॉन 2 ये भी x अपॉन 2 हो जाएगा, एस माइनस सी भी कैलकुलेट करूंगा तो वो भी x बाय 2 आ जाएगा। इसके बाद हम डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आएंगे, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, ये तमाम वैल्यूज कैलकुलेट कर चुका हूँ, मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट 3x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय x बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x बाय 2। अब देखिए मल्टीप्लाई करूंगा 3x की पावर 4 हो जाएगी और ये 16 हो जाएगा, 16 का रूट 4 बाहर आ जाएगा, x की पावर 4 का रूट बाहर आएगा x स्क्वायर, रूट 3 ऐसे ही रहेगा, तो ये डेल्टा की वैल्यू हो गई। अब हमें जो चीज़ उसने मालूम करने के लिए कहा है उसको कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल आर वन डेल्टा ओवर एस माइनस ए के बराबर होता है, डेल्टा की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल चुका हूँ, पुट कर दूंगा, एस माइनस ए की वैल्यू भी निकाल चुका हूँ, ये भी पुट कर दूंगा, अब फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन है रिवर्स कर दूंगा, रूट 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल 2 2 4, नीचे बचेगा 2 बचेगा, रूट 3 एक्स बच जाएगा, तो आर वन की वैल्यू रूट 3 एक्स अपॉन 2 हो जाएगी। फिर कैपिटल आर को सॉल्व करना है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा हो जाएगा, ए बी सी एक्स के बराबर है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई एक्स डिवाइड बाई 4, डेल्टा की वैल्यू अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल हो गया, कैपिटल आर की वैल्यू एक्स अपॉन रूट 3 आ गई, तो ये आपके पास जो है कैपिटल आर कैलकुलेट हो गया है। अब मैं स्मॉल आर कैलकुलेट करने चाह रहा हूँ, स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस के बराबर है, डेल्टा की वैल्यू रूट 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पुट कर दिया, डिवाइड बाई एस 3x अपॉन 2, रिवर्स कर दे टर्म्स को, तो ये हो जाएगा रूट 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 एक्स 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 कैंसिल 2
टू जो फोर हो गया, टू थ्री जो सिक्स हो गया, रूट थ्री एक्स बचा ऊपर, तो स्मॉल आर इज रूट थ्री एक्स अपॉन सिक्स। इसके बाद हमें जो कैलकुलेट करना था वो ये करना था कि स्मॉल आर वन की रेशो कैपिटल आर के साथ, रेशो स्मॉल आर के साथ कैलकुलेट करना है। ये जो वैल्यूज निकाली हैं इनको आप इधर पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू रेशो, इसकी वैल्यू रेशो। प्रूफ में आखिरी रेशो लानी है वन के बराबर। तो अब इसकी ट्रिक ये होती है कि जहां पर वन चाहिए, जैसे लास्ट में वन चाहिए, इसको रिवर्स करके थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो सब चीजें कैंसिल आउट होंगी, आखिर में वन आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये रही, बाय इसको रिवर्स करूंगा सिक्स अपॉन रूट थ्री एक्स, हर टर्म को एक दो तीन, तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा बारी बारी। आर वन रेशो कैपिटल आर रेशो आर इज इक्वल टू, ये पहली वैल्यू वैल्यू को सिक्स अपॉन रूट थ्री एक्स से मल्टीप्लाई किया रेशो, सेकेंड वैल्यू वैल्यू को भी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स अपॉन रूट थ्री सिक्स अपॉन रूट थ्री एक्स रेशो, थर्ड वैल्यू को भी सिक्स अपॉन रूट थ्री एक्स। अच्छा अब जरा सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले हम कहते हैं टू थ्री जो सिक्स हो गया, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे तमाम चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब जो बचेगा वो मैं लिखूंगा इन द नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ देखिए यहाँ पर बचेगा पहली टर्म सिंप्लीफाई होने का थ्री बचेगा, ऊपर सिक्स बचेगा, दो रूट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सेम तो थ्री आ गया और यहाँ वन बचा, थ्री टू जो सिक्स हो गया। तो हमें ये प्रूव करना था आर वन रेशो कैपिटल आर रेशो स्मॉल आर थ्री रेशो टू रेशो वन, ये प्रूव आ गया। और स्टूडेंट्स हम इसके साथ ही अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मजीद सवाल के सोल्यूशन को जाने के लिए देखते रहेगा सम सोल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।